हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हेमा मालिनी की टॉप 15 मूवी के नाम और रिलीज ईयर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक मूवी के नाम के बारे में। तो टॉप 15 हेमा मालिनी की मूवी के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है शोले, जो कि 1975 में रिलीज हुआ था। दूसरे नंबर पर है बागवान, जो कि 2003 में रिलीज हुआ था। तीसरे नंबर पे है सीता और गीता, जो कि 1972 में रिलीज हुआ था। चौथे नंबर पे है नसीब, जो कि 1981 में रिलीज हुआ था। पांचवें नंबर पे है जॉनी मेरा नाम, जो कि 1970 में रिलीज हुआ था। छठे नंबर पे है सट्टे पे सट्टा, जो कि 1982 में रिलीज हुआ था। सातवें है त्रिशूल, जो कि 1978 में रिलीज हुआ था। आठवें में है क्रांति, जो कि 1981 में रिलीज हुआ था। मेरा, जो कि 1979 में रिलीज हुआ था। दसवें नंबर पे है खुशबू, जो कि 1975 में रिलीज हुआ था। ग्यारहवें नंबर पे है प्रेम नगर, जो कि 1974 में रिलीज हुआ था। बारहवें नंबर पे है किनारा, जो कि 1977 में रिलीज हुआ था। तेरहवें नंबर पे है रिहाई, जो कि 1988 में रिलीज हुआ था। चौदहवें नंबर पे है प्रतिज्ञा, जो कि 1975 में रिलीज हुआ था। और पंद्रहवें नंबर पे है तेरे मेरे सपने, जो कि 1971 में रिलीज हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।